बहुत बुरा हाल है, टाइट किया है, नसें ब्लॉक हो रही हैं। निकालिए मुझसे बचा के निकालिए, खींचिए 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 खींचिए, कमर ब्लॉक कर देगा, खींचिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर मित्र में। आज का रेस्क्यू कॉल हरिपुर समौली ग्राम सभा, जो कि राजेश सुल्तानपुर जिला के अंतर्गत रेस्क्यू देखने को मिला है। अभी रात के 10 बजने जा रहे हैं और हम लोग करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करके कवर करके यहाँ आ चुके हैं। मोहित सर के जो जस्ट बगल में पीला कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं, इस भैया के घर में कोई सांप दिखा है काफी बड़े साइज का। तो भैया ने तुरंत हमें मौके पे फोन किया, हम और हमारी पूरी टीम आ गई है उस सांप का रेस्क्यू करने के लिए। तो देख सकते हैं रात के 10 बजे भी पूरे ग्राम सभा के लोग एकत्रित हुए हैं उस सांप का रेस्क्यू देखने के लिए। तो चलिए भैया, जहाँ पे सांप दिखा वो चल के दिखाइए, तो स्थान पे कहाँ सांप दिख रहा है। बंद कर भैया, बंद बंद बंद। अभी हम जहाँ पे सांप निकला है वहाँ पे आ चुके हैं, घर के पीछे आप देख सकते हैं कुछ खेती बाड़ी भी किया गया है। इधर टॉयलेट बाथरूम भी है कुछ, और इधर जस्ट देखेंगे तो कुछ बांसवारी है, और इसी बांसवारी के अंदर जैसा कि घर वालों ने बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए भैया जहाँ हाथ से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे काफी बिग साइज का, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इंडियन रॉक पाइथन, काफी ज्यादा बड़ा सा एक इंडियन रॉक पाइथन जिसको भारतीय अजगर बोलते हैं। और मुझे जहाँ तक इसके बॉडी के कलर से मैं जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, ये बार्मीज पाइथन जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इसके बॉडी के ऊपर रेनबो कलर का सिंबल्स बन रहे हैं, तो ये बार्मीज पाइथन मुझे जहाँ तक लग पा रहा है। फिलहाल इसको बाहर निकालेंगे तब अच्छे तरीके से जान और देख पाएंगे कि ये रॉक पाइथन है कि बार्मीज पाइथन है। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ से इसका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर शुरू होता है और ऐसे करते 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 ये पूरे बांस के अंदर तक फैला हुआ है, बैठा हुआ है। तो चलिए अब इसको फाइनली मोहित सर कैसे रेस्क्यू करते हैं वो देखते हैं। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, इस सांप को कैसे निकाला जाएगा वो सब आपको दिखाएंगे, और इस सांप के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी है सभी संपूर्ण जानकारी आप सभी को दिया जाएगा। मैं हेड कैच कर रहा हूँ, ठीक है, वाकई दोस्तों काफी बड़ा है, डायरेक्ट मैं इसका हेड कैच करूंगा। थोड़ा मेरे दिल उसका आकार देख के डर लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको आप लोग पहले हेड कैच करते हैं। आप लोग वीडियो बन जाइए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे खतरा बहुत खतरनाक है। अभी दोस्तों फाइनली देखिए मोहित सर ने इसका हेड को पकड़ लिया है, और लिटरली गाइस काफी ज्यादा बड़ा, ओ माय गॉड, काफी बड़ा काफी बड़ा। ये देखिए दोस्तों कितना ज्यादा खतरनाक मोहित सर को जकड़ लिया है, काफी बड़ा है। इसको बाहर ले चलते पहले यहाँ से, फिर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं, हमने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली इस बड़े से अजगर सांप को हमने निकाल के बाहर ला चुके हैं एक क्लीन स्थान पे, जहाँ पे इस सांप के बारे में समस्त जानकारी इस ग्राम सभा के लोगों को, जो हमारी प्यारी प्यारी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, आप सभी को भी प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सांप जो है कितना ज्यादा बड़ा सा है, और ये सांप जो है मोहित सर के पूरे पैर को जकड़ चुका है। इस कंडीशन में सांप जो होता है वो जो भी जीव होता है, जो भी लोग होते हैं, उनके पाँव को ऐसे तोड़ मरोड़ के उनको जान से मार देता है, और फिर इसी मुंह के रास्ते से ऐसे निकल जाता है। चलिए तमाम जानकारी मोहित सर जानेंगे, पहले इस सांप को मोहित सर के पैर से बाहर निकलवाते हैं और फिर जो है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। फाइनली देख सकते हैं मोहित सर गिर चुके हैं सांप को लेकर के, क्योंकि सांप जो है इनको पूरे अच्छे तरीके से जकड़ चुका है। मोहित सर कैसा कंडीशन है आपका, हालत खराब है? बहुत बुरा हाल है, पैर एकदम दर्द कर रहा है, टाइट किया है, नसें ब्लॉक हो रही है। ठीक है, हम सहयोग करवाते हैं और निकालते हैं। देखिए आपके कमर तक जा रहा है, पूरा लपेट लेगा, थोड़ा आप लोग मदद कराइए भैया, इसका पूछ पकड़ खोलिए, तो इनको पकड़ो, वेरी गुड, निकालिए मुझसे बचा के, खींचिए कमर ब्लॉक कर देगा, खींचिए खींचिए खींचिए, वेरी गुड।
तो गाइस कैसे कैसे गांव वालों की मदद से और यहां के लोगों की मदद से सांप से तो मोहिसर को छुड़ा लिया गया। अभी आप देख सकते हैं सांप की जो लेंथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं बिल्कुल पीछे से शूट कर रहा हूं क्योंकि फ्रेम में आ ही नहीं रहा था। ये सांप जो है करीब करीब नहीं तो मुझे लगता है मोहिसर 15 से 16 फीट इतना बड़ा सांप है ये। देखिए भैया ये ब्लैक टी शर्ट में जो भैया इधर पूछ पकड़े हुए काफी दूरी पे, और ये देखिए पूरा घूम के इतना दूर जाना पड़ रहा है तब यहाँ पे मोहिसर ने हेड पकड़ा हुआ है। मैं नजदीक से आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये इंडियन रॉक पाइथन जो है इसका हेड है, और इसके हेड से मैं चल रहा हूँ इसके पूंछ तक। बने रहिए आप लोग, ये देखिए कितना बड़ा है, और इसका बॉडी बिल्कुल बार्मीज पाइथन जैसा लग रहा है। ये देखिए आप लोग, इसके बॉडी पे जो साइन है वो बार्मीज पाइथन जैसा साइन कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे रेनबो कलर बन रहा है। ये देखिए आप लोग कितना ज्यादा बड़ा है, तब से मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये लास्ट में भैया ने इसका पूंछ को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। इसकी लेंथ करीब करीब नहीं तो 15 से 16 फीट लेंथ है इसकी, और ये काफी ज्यादा बिग साइज का है। और ये घर परिवार के पिछवाड़े पीछे साइड में आ चुका था, जहाँ पे अगर ये किसी गाय के छोटा बछड़ा को या बच्चा को या फिर बकरी के बच्चे को या बकरी को या फिर कुत्ते के बच्चे को या कुत्ते को या फिर इंसान का सोए कोई बच्चा क्यों नहीं हो उसको पाया जाता तो ये खा लेता और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती। ये देखिए आप लोग कितना ज्यादा बड़ा साइज का इंडियन रॉक पाइथन आपके सामने। ये इसका आंख, इसका हेड, अब ये देखिए किस तरीके से अपने जीभ को यहाँ से निकाल रहा है। ये देखिए कितना ज्यादा खतरनाक है, अपने मुंह अपने जीभ को बाहर निकाल रहा है बचा के। तो गाइज अभी जो है फाइनली सभी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत दिया, अब इस सांप को हम छोड़ के दिखाते हैं कि ये कितना ज्यादा बड़ा। ये देखिए काफी बड़ा है दोस्तों, देखिए कितना ज्यादा बड़ा है। इसको थोड़ा छोड़िए, देखिए कैसे ट्रेवल करता है। ये देखिए लिटरली गाइज आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन ये काफी बड़ा है। ये देखिए कैसे भाग रहा है, ये देखिए कितना लंबा, करीब करीब 2 से 2.5 फीट ये ऊपर चढ़ चुका है। दूर रह जा। तो गाइस हमने वीडियो में आपको दिखाया कि सांप ट्रेवल कैसे करता है एक्चुअली में, और इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। किसी भी जानवर को, किसी शिकार को बहुत तेज से दौड़ा करके झपट्टे मार के पकड़ भी लेते हैं, तो इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है। हम आप सभी से यही कहेंगे कि ऐसे सांपों से बिल्कुल ही दूरी रहें, क्योंकि जब भी ये सांप एस का मूवमेंट लेते हैं या एस शेप लेते हैं तो बहुत तेज से ये बाइट करते हैं। करीब करीब 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक लॉन्ग जंप करके अपने शिकार को काट सकते हैं, दबोच सकते हैं। फिलहाल इस सांप के बारे में संपूर्ण जानकारी मोहित सर से जानेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और फिर इसको पैक करके चलेंगे अनुकूलित वातावरण के अंदर। राजू भैया बोले आप तो देखिए दोस्तों, जैसे बोला जाता है भारतीय अजगर इंडिया के भारी भरकम सांपों में से एक है। वाकई लाइव डेमो सामने फेस टू वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये वाकई कितना बड़ा है, और ये एक इंसान को भी निगल सकता है, क्योंकि अब ठंड का सीजन स्टार्टअप हो रहा है, जितने अजगर निकल रहे हैं सारे भूखे हैं। उस दौरान एक छोटा बछड़ा चाहे बकरी, भेड़, सियार, कुत्ता, दानी बच्चा या इंसान, इतना बड़ा आकार का सांप है तो इंसान स्वयं क्यों ना हो, अगर ये कुंडली मार के उसको लपेट लेगा तो इंसान का दम घुट के मार सकता है, मारने के बाद उसको निगल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये खतरा है। ये जो सांप है, इसी सांप को हमारे यहाँ भारतीय अजगर, हमारी लोकल भोजपुरी भाषा है चित्तांग बोलते हैं लोग इसको, इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन। इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता, जब काटता है तो बहुत बुरी तरीके से काटता है, क्योंकि इसके दांत काफी बड़े बड़े और बहुत ज्यादा धारीदार नुकीले होते हैं। अगर ये काटेगा तो उस पोर्शन के मांस को तुरंत ये नोच लेता है, उसको ग्रहण भी कर लेता है।
तो इस दौरान इससे सावधान होने की जरूरत है और इसको बिल्कुल भी मारने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसकी प्रजातियां जो है धीरे धीरे अपने भारत से विलुप्त होती जा रही हैं। तो प्लीज एक छोटी सी पहल आप लोग भी करिए, ऐसे बेजुबानों को और इस प्रजाति के सांप को बचाने का आप लोग सभी प्रयास करिए। अभी भी ऐसा सांप दिखता है तो जो मेरा नंबर है उस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं 24 आवर्स काम करता हूँ। तो चलिए अब इस सांप को करेंगे अपन लोग बोरे में पैक, और काफी बड़ा बोरा लगने वाला है क्योंकि ये करीब 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 1 क्विंटल के करीब में है और ये काफी ज्यादा ताकतवर है। चलिए अब इसको करते हैं पैक। जो भी जानकारी थी मैं आप सभी को बताया, और दोस्तों हमारा काम कैसा लगता है तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हमारा काम कैसा लगता है। दोस्तों हम अपने गोरखपुर जिला से लगभग 200 की दूरी तय करके ये सुल्तानपुर की पावन पवित्र धरती है, तो इस धारा को, इस धरातल को मेरा नमन है, प्रणाम है, और उसी तरीके से प्यारी प्यारी जनता को भी नमन और प्रणाम है, क्योंकि बहुत सारा देख सकते हैं इतनी रात को भी ये लोग हमारा साथ और सहयोग के लिए खड़े हैं, तो इन सभी जनता जनार्दन को भी नमन और प्रणाम है दिल से। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यही का है, तो कल एक और वीडियो हमारे आने वाली है इसी जिला की और इसी गांव की, जिसमें एक महिला को कोबरा सांप ने बाइट कर लिया, बहुत रेयर केस था, तो उस सांप को हमने रेस्क्यू किया, तो उसकी वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए अभी सांप को करते हैं पैक, और दोस्तों काम कैसा लगता है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए आप सभी लोग, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। अब खूब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों फाइनली वक्त आ चुका है इस सांप को पैक करने का, पैक करने के बाद इसके अनुकूल वातावरण में छोड़ने का। रात के 10:30 बज चुके हैं, सभी ग्राम सभा के लोग अभी यहाँ पे एकत्रित भी हुए हैं, तो सभी ग्राम सभा के लोगों से हम पूछना चाहेंगे आसपास में कोई नदी है भैया यहाँ पे जहाँ पे इस सांप को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर, चलिए इसको पैक करवाइए, लेके चलिए नदी पे। अभी इसको पैक करने के देख सकते हैं, इसको हेड पकड़ना पड़ेगा, बिना हेड पकड़े इसको हम बैग में नहीं डाल सकते हैं। लगातार ये मोइस्चर को लपेट रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है। अब इसको बैग में डालेंगे और फिर ले चलेंगे अनुकूल वातावरण के अंदर। तो फाइनली देख सकते हैं काफी सारा मेहनत करने के बाद और लोगों के सपोर्ट से इस सांप को बड़े से बैग के अंदर डाल दिया गया। अब इसको तुरंत लेके चलते हैं अनुकूलित वातावरण नदी के किनारे जहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको पहले छोड़ने चलो। तो चलिए दोस्तों फाइनली हमने इस सांप को बैग में पैक करके बांध दिया है, अब चलिए इसको लेके चलते हैं अनुकूलित वातावरण के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मोहित सर सर्वमित्र के टीम के साथ और ग्राम सभा के कुछ लोगों के साथ फाइनली जो सांप को रेस्क्यू किए थे, काफ़ी बड़े साइज का इंडियन रॉक पाइथन को, उसको लेके जा रहे हैं जहां सांप निकला था वहां से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर एक नदी है, उस नदी में छोड़ने के लिए। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, सीधे नदी पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो अभी हम फाइनली नदी के किनारे पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमारे यहाँ पर रुक चुकी है, चलिए इसको निकालते हैं और फिर ले चलते हैं। ये बगल में नदी है, आप लोग को दिख नहीं रही होगी रात का समय है, तो नदी किनारे चलते हैं, इसको ले चल के रिलीज करते हैं। चलिए ले चलिए नीचे ले चलिए नीचे। तो चलिए यहीं पे इसको रिलीज कर देते हैं, और बगल में नदी है काफी गहरा, तो चला जाएगा यहाँ से चल जाएगा। ये देखिए कैसे ये अनुकूलित वातावरण पाते ही निकल गया, अब सीधे ये नदी में चला जाएगा, देखिए चला गया ये। अभी इसका परफेक्ट अनुकूलित वातावरण हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।